हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू बी इंडियन इन दिस वीडियो आई विल रिव्यू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलेज अन्ब्ल्यू जी दैट इज पहन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सो आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस कॉलेज ओके मैंने इस कॉलेज पर वीडियो इसलिए बनाना मीन्स जरूरी समझा बिकॉज मेनी ऑफ द व्यूअर्स आर डिमांडिंग दैट भैया प्लीज मेक अ वीडियो ऑन वी वी दिस और यूट्यूब में बहुत कम ही वीडियो ऐसा अवेलेबल था सो आई डिसाइडेड टू दैट सो आपका भी इफ यू हैव एनी डिमांड रिगार्डिंग द एनी कॉलेज एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो इन टू दिन दिस कॉलेज एंड वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट द कॉलेज देन यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल ओके सो आप मीन कर सकते हैं कमेंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गा एज इफ यू आर न्यू बी ऑर टू माई चैनल देन डोंट फॉर गेट टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज भाई मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बस

टॉकिंग अबाउट दिस दट दिस कॉलेज इज एफिलेटेड टू मकाउट एंड ए आई सी टी अप्रूव सो मकाउट यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सेफिलियेड है एंड ए आई सी टी सी अप्रूव सो देर इज नो एनी डाउट और कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द एडिएशन टू ओके सो एडिएशन वगैरह में आपको कोई डाउट नहीं होगा टाकिंग समथिंग इट बिट अबाउट दैट पार्टिकुलर लोकेशन सो दिस इज एक्चुअली लोकेशन पहलान एंड दैट इज इन मीन्स हावड़ा से यूड वन और वन एंड हाफ आवर ओके वन एंड हाफ़ आवर आपको लगेगा ओके okay? मैं इस कॉलेज का इसलिए भी बनाना चाहूँगा क्योंकि भाई माई डब्ल्यू बी जई सेंटर इसी कॉलेज के आसपास पास पढ़ा था ओके सो आई मीन्स बिकम फेवर टू मेक द रिव्यू ऑफ दिस कॉलेज ओके सो आपको मैं तो होल डिटेल बोलूँगा अबाउट द सराउंडिंग अबाउट द कॉलेज क्योंकि मैं पर्सनली विजिट भी किया उस कॉलेज पर ओके सो लेट अस टॉक समथिंग मोर सो वॉट आर द प्रोग्राम दैट इज़ ऑफर्ड बाई दिस कॉलेज ओके सो दे आर वेरियस प्रोग्राम दैट इज ऑफर बाय दिस इंस्टीट्यूट दैट इज़ दी टेक प्रोग्राम दैट इज़ यू जी प्रोग्राम ओके एम बी ए बी एड एम एड तो ये सब प्रोग्राम भी अवेलेबल करता है बट आई विल फोकस ओनली ऑन द बी टेक एंड यू जी कोर्सेज दैट इज़ बेसिकली डब्ल्यू बी जी सो द डिपार्टमेंट दैट अवेलेबल इन दिस कॉलेज इज द सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजियनिंग सो दिस आर द इमार्टेंटेंटेंटेंटेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बीटेक दैट इज अवेलेबल इन दिस कॉलेज ओके यू कैन ऑल्सो लीग हैव विजुअल ऑफ दिस ओके सो हैव ट्वेंटी प्लस ईयर ऑफ एक्सीलेंस एंड वन फिफ्टी कॉर्पोरेट रिलेशन एंड ट्वेल्व थाउजेंड प्लस एलुमिनियम, सो दिस इज अ गुड कॉलेज ओकेट इल अबाउट द फैकल्टीजर सो वट अब द फैकल्टीज मेमर सो फेकल्टीज मेम्बर आर फाइन ओके मोस्ट ऑफ द आर द पी एच डी डिग्री होल्डर एंड दे विल प्रोवाइड यू द सफिशियंट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प यू इन परसुइंग द योर बी टेक डिग्री एंड कैरियर टू ओकेट दे ऑल्सो प्रोवाइड द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द प्लेसमेंट दट हाउ सुड यू बी हैव इन द प्लेसमेंट एंड अर थिंग्स ओके सो यू कैन ऑल्सो हेव अजल दिस कॉलेज हैव सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल ओके है मीन्स द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मींस स्पोर्ट्स थोड़ा लिमिटेड रहता है बट है कॉलेज में टॉकिंग मोर फैसिलिटीज हैव आ लाइब्रेरी टू जो कि हर एक कॉलेज में रहता है सो लाइब्रेरी भी है ओके हैव अ कंप्यूटर लैब में बात कर लिया हॉस्टल होस्टल तो भी इसमें है ओके okay? विजुअल भी आप देख चुके हैं ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ओके आप देख सकते हैं और हॉस्टल का वेरी वेरी गुड सीन ओके बहुत अच्छा सिचुएटेड है ओके सो यू कैन सी हैव अ गुड ओके यानी थ्री कॉमन रूम भी होता है अवेलेबल ओके दिस इज ऑल अबाउट द हॉस्टल ऑफ दिस कॉलेज ना मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज द प्लेसमेंट वट अव द प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज एवरी स्टूडेंट हैव देअर अल्टीमेट गोल अबाउट द प्लेसमेंट भाई प्लेसमेंट बताइए कैंपस तो ठीक है हॉस्टल भी ठीक है फैसिलिटीज भी ठीक है बट मेन चीज जो चाहिए अपने को मीन्स प्लेसमेंट चाहिए प्लेसमेंट और इंडा डू कैन सेव मीन्स गुड पैकेज चाहिए ओके सो वेदर आई शुड चूज दिस कॉलेज और नॉट इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट सो या यू कैन चूज दिस कॉलेज ओके फॉर द एवरेज प्लेसमेंट एंडफ यू बार गुड प्लेसमेंट देन यू हैव टू वर्क हार्ड आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ओके okay? टॉकिंग अबाट द कंपनी दैट विजिटेड सो अगेन टी सी एस दैट इज माई रिक्यूटिंग कंपनी जो कि हर एक कॉलेज में विजिट करता ही है ओके टी सी एस ही हर एक कॉलेज पर ध्यान देता है ओके भाई बिसाइड दैट कैब्जी मिनी विप्रो ओके सो दीज आर दिन ऑल्सो एसेंशियर दैट इज द कॉलेज मीन्स कंपनी दैट विजिटेड इन दिस कॉलेज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेट्स सो इन टर्म प्लेसमेंट नंबर दैट इज लिटी लो रिस्पेक्ट टू द अर कॉलेज ओके मैं अदर कॉलेज का जो रिव्यू किया जैसे बी सी आई वगैरह ये तो सब कंपेरिजन में ये थोड़ा लो है अब आई थिंक यही कारण है कि बहुत लोग यूट्यूबर ने इसका रिव्यू नहीं किया बट आई गिव द इम्पोर्टेंस टू एवरी कॉलेज आइर हुआ लो कॉलेज रहे या हाई कॉलेज सभी कॉलेज को इम्पोर्टेंस देता हूँ फॉर दैट आई एम मेकिंग द रिव्यू ऑफ द वीडियो ओके क्योंकि स्टूडेंट्स को जानना चाहिए दैट वाट इज गुड एंड वाट इज बैड ओके सो टॉकिंग मीन्स आपको बता रहा था प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट आपको मीन्स सी एस सी में अबाउट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट प्लेसमेंट होता है मीन्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओके सो इन द टर्न ऑफ प्लेसमेंट डिट्रीब्यूट लो ई में भी अबाउट सेवेंटी परसेंट हो जाता ओके एंड अदर अदर ब्रांचेज टू है टाइप ऑफ प्लेसमेंट एन ऑफ दिस कॉलेज ओके सो यू कैन सी हैव द सम विजुअल ऑफ दिस कॉलेज हेयर टू ओके सो दिस इज बेसिकली अन्स मेकेनिकल क्लास ओके दिस इज द क्लास रूम ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस कॉलेज एव मीन्स ड्रेस कोड ओके सो ड्रेस कोड भी इसमें है एंड अब दिक्सटी टू सिक्सटी फोर स्टूडेंट्स का इनटेक मीन्स एक क्लास में रहते हैं ओके सो यू कैन अ लुक द विजल ओके अ बिल मीन्स इक पार्ट द ए सी लैब टू ए सी लैब भी है आई थिंक क्लासरूम भी है बट आई डोंट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मैं आपको नहीं बता सकता ओके है बिल फर्निश्ड लैब ओके सो लेबोरेटरी वगैरह भी आपको मीन्स अच्छा अवेलेबल रहता है इस कॉलेज में नो एनी डाउट रिगार्डिंग दैट ओके दिज आर देशिकली व्यू ऑफ द प्रोफेसर दैट दे आर टीचिंग ओके सो है कैंपस लाइफ एंड अदर थिंग्स टू हैव अ दिस कॉलेज ऑल्सो हैव असाइड दैट कैफेटेरिया ओके सो कैफेटेरिया भी इस कॉलेज में प्रेजेंट है देन यू कैन एन्जॉय अ गुड स्नैक्स एंड अदर थिंग टू ओके दिस इज द बेसिकली व्यूज ऑफ द कैफेटेरिया ओके सो विल गुड इन एवरेज क्वालिटी ऑफ फूड फूड मीन्स ठीक ठाक आपको प्रोवाइड हो जाएगा ओके सो फाइनली गाई नाउ मुविंग टू द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द कट ऑफ क्योंकि अगेन कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉलेज ओके इफ़ यू हैव नो एनी वैलिड कट ऑफ देन यू कांट गेट इन साइड द एनी इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको बिना कट ऑफ भी नहीं होगा ओके सो फॉर द डब्ल्यू बीजाई कट ऑफ आई एम टॉकिंग सो यू मस्ट बी अंडर दीन्स सी एस सी फॉर फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टीन से स्टार्ट होता एंड गो अपू फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी सिक्स जो कि ठीक ठाक लगा ओके फॉर द इलेक्ट्रिकल मीन्स Uh, electrical and electronics engineering cutoff range start from 39,822 and go up to 59,178. For civil engineering, cutoff range start from the 4 means 42,344 and go up to 61,396. Okay, and for the electronics and communication engineering, that is cutoff range start from 34,332 and goes up to 53,560. Okay. सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ रेंज ऑफ दिस कॉलेज सो फाइनली गाइज आई कवर द ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस कॉलेज दैट इज द पहला कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आई होप गायज दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉर गेट टू हिट द लाइक बटन एंड मेक्स यूर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंपॉर्टेंट अपडेट क्योंकि इसमें आपको बिसाइड कॉलेज रिव्यू कॉलेज कॉम्पेरिजन डब्ल्यू बी आई काउंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी आपको ब्लॉग टाइप वीडियो मिलेगा अदर कंटेंट टू दैट वाट सुड यू डू इन साइड द कॉलेज वट आर द सब्जेक्ट दट इज ऑफर फॉर द फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वट आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन दैट यू शुड नॉट डू सो बहुत सारा कंटेंट आपको आगे देखने को मिलेगा सो मेक्स श्योर टू हिट द मीन्स लाइक बटन सब्सक्राइब माई चैनल ओके सो फाइनली का इस वीडियो में इतना ही था इफ यू हैव एनी डाउट कोई भी छोटा सा छोटा डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई इंस्टाग्राम चैनल ओके यू कैन ज्वाइन माई एंड इफ यू वांट अ पेड काउंसिलिंग एंड नॉमिनल प्राइज एंड वांट अ गुड कॉलेज आदर पहलान कॉलेज या कोई कॉलेज आप लेना चाहते हैं एट अ नॉमिनल प्राइज पे मीन्स मीस काउंसलिंग में आपको हेल्प करूंगा ओके देन यू कैन मीन्स पर्सनली कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम टू सो फाइनली गाय इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो फिर से मैं कर रहा हूँ लाइक ज़रूर कर दें ओके और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया हुआ ओके सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही था तब तक के लिए बवा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में j